हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट बनाना पाउंड केक। मैं माधवी स्वागत करती हूं आपका माधवीज किचन में। आज हम बनाएंगे एकदम सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट बनाना केक। ये बिल्कुल एगलेस केक है और आप देख ही सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों का तो ये काफ़ी फेवरेट होता है और बड़ों को भी बहुत पसंद आता है इसे। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साथ ही जो बेल आइकन है उसे दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। तो फिर देर किस बात की, आइए बनाना शुरू करते हैं ये सॉफ्ट पंजी चॉकलेट बनाना केक। सबसे पहले हम केक पैन को ग्रीस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 10 इंच लेंथ वाला ये केक पैन लिया है। ये केक पैन मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, आपको मैं ऑनलाइन लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं, आप मंगवा भी सकते हैं, ये इसकी प्राइस भी रीजनेबल है। तो इसे हम पहले अच्छे से ग्रीस करेंगे ऑयल से और इसमें एक बटर पेपर लगा देंगे। अगर बटर पेपर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली मैदे से केक पैन को डस्ट कर दीजिए। अगर आपके पास इस तरह का केक पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 8 इंच डायमीटर वाले केक टिन में भी ये केक आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। तो आइए अब हम बना लेते हैं केक का बैटर। बनाना केक है तो इसमें हम डालेंगे 2 पके हुए केले। ये देखिए, इस तरह से हम केले को छीलकर और पतले पतले स्लाइस में काट लेंगे। तो ये देखिए, दोनों केलों को मैंने स्लाइसेस में काट लिया और इसे हम मैश कर लेंगे। आपके पास अगर फोर्क है तो फोर्क से मैश कर सकते हैं, या सबसे आसान है मैशर की सहायता से मैश करना। तो इस तरह से ये कुछ सेकेंड्स में ही मैश हो जाता है, बहुत ही इजीली। तो इस तरह से हम बनाना को मैश करेंगे। बनाना को आप चाहें तो ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, इससे काम और भी आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, बनाना अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल की जगह बटर भी यूज कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप पाउडर्ड शुगर। ये चीनी को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और उसे पाउडर बना लिया है। और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से एक बार फेंट लेंगे। ये देखिए, चीनी और केले का पल्प और ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस से केक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं ये हमारा वेट मिक्स रेडी हो गया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले एक छन्नी रखी है बोल के ऊपर। इसमें लेंगे हम 2 कप मैदा। आप चाहें तो मैदे की जगह आटा भी यूज कर सकते हैं गेहूं का। इसमें डालेंगे 1/2 कप कोको पाउडर, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से छानेंगे। तो छानने से सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं और एयर भी उनमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इससे जो केक बनता है बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। तो ये देखिए, मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से छान लिया है और अब सारी चीज़ों को हम कट एंड फोल्ड मेथड से इस तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे मिल्क। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मिल्क लिया है। तो पहले हम 1/2 कप मिल्क इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा मिल्क इसमें ऐड करते हुए बैटर बनाएंगे। तो ये देखिए, बैटर बहुत ही ज्यादा थिक है, तो इसमें हम 1/4 कप मिल्क और डालेंगे। और ये देखिए, 1/4 कप मिल्क हमारा बच गया है, मतलब इसमें टोटल मैंने 3/4 कप मिल्क इस बैटर में डाला है। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और स्मूथ बैटर बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, स्मूथ बैटर बन गया है, सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर और इसे भी बैटर में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। विनेगर की जगह 1 टीस्पून लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, बैटर हमारा रेडी है। लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 कप चोको चिप्स और इसे भी बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बनाना केक के लिए ये जो बैटर की कंसिस्टेंसी है ये परफेक्ट होती है। इसी तरह का हमें थिक बैटर बनाना होता है।
अगर हम पतला बैटर बना लेंगे तो जो बनाना केक है हमारा फूल कर और फिर से वापस सिंक हो जाता है और ठीक से फूलता भी नहीं है। तो हमारा बैटर रेडी है, अब हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे ग्रीस किए हुए केक टिन में। तो ये देखिए सारा बैटर मैंने केक टिन में डाल दिया है। इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं चोको चिप्स से। आपके पास अगर चोको चिप्स नहीं है तो आप कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं। तो केक मैं आज बनाने जा रही हूँ ओवन में, तो ओवन को मैंने 180 डिग्री पर प्री हीट कर लिया है ये देखिए, और केक को हम प्री हीट किए हुए ओवन में रख देंगे। और आप अगर चाहें तो इस केक को कढ़ाई में या कुकर में भी बना सकते हैं। टाइम मैं सेट करूंगी 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स का टाइम सेट कर दिया है मैंने, ऑन कर दिया है। कढ़ाई या कुकर में बनाने के लिए कुकर को पहले 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लेना है और उसके बाद केक को बेक करना है। 40 से 50 मिनट के बीच बेकिंग टाइम लगता है कढ़ाई या कुकर में। ये देखिए 40 मिनट्स हो चुके हैं, हमारा केक बिल्कुल रेडी है। ये देखिए देखने में काफ़ी सुंदर, एपेटाइजिंग और डिलीशियस लग रहा है, एकदम सुपर्ब केक बना है। ये देखिए इसका कलर, बहुत ही सुंदर केक बना है। तो ये देखिए हमारा जो केक है बिल्कुल रेडी है। तो इसे हम ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। आइए अब हम केक को डीमोल्ड कर लेते हैं। केक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो पहले हम नाइफ से इसके साइड्स को अलग कर लेंगे इस तरह से, और अब हम केक को केक पैन से निकाल लेंगे। अब हमने जो बटर पेपर लगाया था उसे भी हम रिमूव कर देंगे। लग रहा है ना काफी डिलीशियस, देखने में ही काफी डिलीशियस लग रहा है, और इसकी खुशबू तो इतनी बढ़िया आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही टेस्टी ये केक बनकर रेडी हुआ है हमारा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल टेस्टी केक है। इसे हम इस तरह से स्लाइस कर लेंगे, एकदम रिच चॉकलेट बनाना केक हमारा रेडी हुआ है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है हमारा। तो इस तरह से हम इसे कट करके सर्व करेंगे। एक स्लाइस में आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर बिल्कुल स्पंजी है, बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बना है। बनाना केक बहुत ही मॉइस्ट बनता है, आप एक बार जरूर ट्राई करके इसे देखिएगा। आई होप दोस्तों आपको ये रेसिपी काफी पसंद आई होगी, इसे जरूर ट्राई कीजिए, काफी हेल्दी केक है ये, कभी भी इसे बनाकर खाया जा सकता है, बहुत ही टेस्टी लगता है और फैमिली में सभी को बहुत पसंद आता है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं मेरी ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग सी और आसान सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।